खबर जनपद उधम सिंह नगर से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक दिवसीय दौरे पर रुद्रपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गांधी मैदान में जिला प्रशासन द्वारा आयोजित नजूल भूमि का निशुल्क शिलान्यास कार्यक्रम में शिरकत की। बता दें कि आयोजित कार्यक्रम में सीएम धामी ने नजूल नीति के तहत पट्टा पाने वाले 2610 लाभार्थियों को शुभकामनाएं दी। इसके तहत ही उन्होंने नजूल में रह रहे लोगों को आश्वासित करते हुए कहा कि सभी को नजूल नीति के तहत पट्टे वितरित किए जाएंगे। रुद्रपुर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। बहुत सुंदर कार्यक्रम था। इतने आजादी के बाद से इतने बड़ी संख्या में लोग मकान के लिए तरस रहे थे, तो हमारी सरकार ने जो कहा था हम आवास देंगे, हाईकोर्ट से हारने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट हमारी सरकार गई उत्तराखंड की, और माननीय प्रधानमंत्री जी की आशाओं के अनुरूप सुप्रीम कोर्ट से भी अच्छा फैसला आ गया, तो नजूल भूमि हम लोगों ने आज फ्री ऑफ कॉस्ट, एक पैसा नहीं लिया। जो अनुमन्य लोग थे उनके घरों में जाके पेपर तैयार करे, पेपर तैयार करने में कोई एक नए पैसे का खर्चा नहीं किया, और आज 2600 लोगों को आवास दे दिए हैं। चाहे 10,000 हो, 20,000 हो, 50,000 हो, जितने लोग उस नियम में आते हैं उनके कागज बनने तैयार हो गए हैं। ये कंटिन्यूस उनको पूरा दिया जाएगा, क्योंकि ये 2600 बनाने में भी 6 महीना लग गया, इनके कागज बनाने में, नाप जोक करने में, नीचे कागज ऊपर कागज शासन में फाइल गई, तो समय लग जाता है। इसलिए सब लोगों से हमने कहा है जितनी भी संख्या है उस संख्या में सब लोगों को ही ये मकान मिलने वाले हैं। ये कोई ना समझे कि 2600 लोगों को ही मिले हैं, बाकी लोगों के भी कागज बन रहे हैं। जो पत्रावली बनती है उसमें समय लग जा रहा है, सबसे बड़ी दिक्कत है। जिलाधिकारी एक है, CDO एक है, और हमारे जो MLA है वो एक है, और SDM हमारे इक्का दुक्का है, उनको एडमिनिस्ट्रेशन भी देखना होता है, कागज बनाने में भी लगे हुए हैं, तो रेवेन्यू अधिकारियों की कमी तो होती है, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी है। सब लोगों को हम देने वाले हैं, चाहे कितनी भी संख्या।